रहेगी गुजरात गुजरात के ऊपर बात। गुजरात इस आज इस बार एक नए कप्तान के साथ जो है वो गुजरात की टीम उतर रही है। हार्दिक पांड्या वहां पर नहीं होंगे, एक बड़ा स्लॉट अब गुजरात के पास जो है वो बच गया है। आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपकी ऑप्शन के बाद, आपकी रिलीज करने के बाद प्लेयर्स का, बिकॉज आपने इसमें एक ही बड़ा नाम आपने वो रिलीज किया है, वो आपका नाम आ जाता है हार्दिक पांड्या का। लेकिन दसुन शानाका भी यहाँ पर रिलीज नहीं, आई एम क्वाइट अ बिट सरप्राइज। हालांकि आपने दसुन शानाका को पिछले सीजन में मिड सीजन बुलाया था बतौर रिप्लेसमेंट के तौर पर, दसुन शानाका को वहाँ पर शामिल किया गया था। फिर ओडियन स्मिथ, अजारी जोसेफ हो गए, उर्वल पटेल हो गए, केएस भरत को इन्होंने, ये पुराना है इसमें हार्दिक पांड्या रिटेन में है, यश त्याल आई थोड़ा इसको चेंज करना होगा, ये चेंज करना पड़ेगा, इसको एडिट कर दीजिएगा आप थोड़ा मोहित, वहाँ से हार्दिक पांड्या वहाँ से आप लिस्ट से जरा हटा दीजिएगा और हार्दिक पांड्या हो जाएंगे ट्रेड में। अभी के लिए लगा के रख दो, जब चेंज हो जाएगी नहीं रहने दो यार। आप एक काम कर दो, गुजरात का वो दिखा दो ओवरऑल पर समरी वाला, समरी वाला उससे हम जो है वो थोड़ा सा बाकी आंकड़ा लगा, तब तक उसको ठीक कर दो प्लीज। हार्दिक पांड्या को वहाँ से जरा हटा दो। 17 मुकाबले, 6 आप नितिन कह सकते हो कि यहाँ पर आपके ओवरसीज प्लेयर्स हैं आपके पास, 17 प्लेयर सॉरी, देन यू हैव 61.85 सीआर जो आपकी बनी रख चुकी है, 38 करोड़। हार्दिक पांड्या के जाने का जो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो मिला इनको वो यही मिला है कि पर्स इनका बहुत भाई सीधे सीधे 15 करोड़ रुपए अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो भैया मेरे सिर्फ बचते 13 करोड़ रुपया, 23 करोड़ रुपए, फिर भी 38 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इन्हीं के पास है, सबसे ज्यादा। अच्छा इनके पास सबसे ज्यादा है तो ये देखो जितना बैलेंस जीटी का है, पिछले दो सीजनों में हमने देखा कि सबसे ज्यादा बैलेंस्ड हमें अगर आईपीएल में कोई टीम लगी है पिछले दो सीजनों में तो वो जीटी थी। चाहे आप ऊपर देख लो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर को देख लो, वहां पर आपके पास ऑलराउंडर्स भी थे, आपके पास अच्छे स्पिनर्स भी थे, राशिद हो गए, हार्दिक हो गए, फिर आप बॉलिंग देख लो, 38 करोड़ रुपए इनके पास है तो भाई मुझे तो सीधे सीधे तौर पर ट्रेविस हेड जीटी जाते हुए नजर आ रहे हैं और स्टार्क भी जीटी जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचो ना, तो नहीं जाएंगे, आप सोचो एक चीज सोचो, 38 करोड़ रुपए इन्हें और कोई इन्हें और कोई खिलाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, 38 करोड़ रुपए हैं इनके पास। आप देख लो कि बॉलिंग में मोहम्मद शामी और स्टार्क कितना लेथल बॉलिंग हो जाएगा आपका, और उसके बाद बैटिंग में आप देख लो शुभमन गिल ओपनिंग विद आपके लिए यू नो कर रहे हैं ट्रेविस हेड के साथ, तो मतलब ये तो, और ये दोनों ही प्लेयर्स अभी वर्ल्ड कप उठा के लेके जा रहे हैं भाई, इंडिया के हाथों से इन्होंने छीना है, और 38 करोड़ सबसे ज्यादा पैसा भी इनके पास है, और बाकी के देखो अवेलेबल स्लॉट्स आठ हैं, इधर उधर छोटा मोटा कुछ लेके कर लेंगे मेरे ख्याल से तो भाई क्योंकि देखो पैसे इनके पास है और ऑक्शन में पैसों से ही खिलाड़ी जो है वो तोले जाते हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि चले जाएंगे यहाँ पर। ओवरसीज स्लॉट भी आपके पास है, दो ओवरसीज में आप हेड को ले लो, आप स्टॉक को ले लो, ओवरसीज स्लॉट कंप्लीट, 6 आप इंडियन प्लेयर्स जो भी आए अनकैप्ड या कैप्ड उनको लेके अपना यू नो 25 मेंबर्स का स्क्वाड कंप्लीट कर सकते हैं। चलो पैसा आपके पास इस समय बहुत है, सपोज करो बट अगर इन्होंने उन दोनों को लिया तो इन दोनों में उनका पूरा का पूरा पर्स खाली हो जाएगा, बाकी आपके जो रिक्वायरमेंट होंगे। वैसे ये भी है कि इन्होंने जो बाकी नाम रिलीज किए हैं उसमें एक है डिपार्टमेंट जो एक इन्होंने यश दयाल को जाने दिया, हालांकि यश दयाल ने वहाँ 5 छक्के खाए थे, उसके बाद लगता नहीं मुझे इस बार कोई भी टीम यश दयाल के पीछे वहाँ पर रन आफ्टर करेंगी उन्हें, जिस तरह से रिंकू सिंह ने उनका, मैं कहता कह सकता हूँ कि रिंकू सिंह ने पूरा तबाही करके रख दिया उनका करियर कहीं ना कहीं, मतलब अभी फिलहाल के लिए, हालांकि वापसी जरूर करें हमें हमारी, आई थिंक बायर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखो कि 38 करोड़ में से अगर आप 2 करोड़ ट्रैविस हेड, मिचेल स्टार्क ऐसे दो बड़े प्लेयर्स के लिए लगा देते हो तो उसके बाद आपके पास पीछे आपका जो आप कहते हैं ना कि आपको पीछे बफर बनाना है, अब केएस भरत की बात कर लो आप, आपके पास अभी विकेट कीपर एक है रिद्धिमान साहा, नहीं मैथ्यू वेड भी है, मैथ्यू वेड ओवरसीज में आ गया ना, मैं इंडियन ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। आपके सपोज करो चार, आपने ट्रैविस हेड को ले लिया, ठीक है, आपने वहां से जिस तरह आप कह रहे हो ट्रैविस हेड और मिचेल स्टार्क दोनों को ले लिया, उसके बाद तो मैथ्यू वेड प्लेइंग 11 में वहां से फिट इन बैठ पाए नहीं बैठ पाए, क्योंकि आपके पास एक राशिद खान है, आपके पास एक नूर अहमद है, इन दोनों प्लेयर्स को तो आप हमेशा अपनी प्लेइंग 11 में लेके चल रहे हो, ऐसे में थोड़ी दिक्कत आएगी। और आपने मोस्ट लाइकली जितना मुझे लगता है कि आपने हार्दिक पांड्या को जाने दिया, हार्दिक पांड्या ये देखो आपको देता क्या था, हार्दिक पांड्या आपका तेज गेंदबाज ऑलराउंडर का ऑप्शन था, वो बंदा आपके लिए नंबर 3 पर बैटिंग भी कर देता था, नंबर 4 पर भी कर देता था, नंबर 5-6 जहां मर्जी बैटिंग, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था का एक स्किल। अब शुभमन गिल एक कप्तान का नया फेस, ही इज अ न्यू फेस फॉर कैप्टनसी, पहला सीजन कप्तानी कर रहे होंगे, हालांकि शुभमन गिल के पास एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि रेप्यूटेड शुभमन गिल का अभी तक करियर रहा है आईपीएल में, पिछला सीजन जिस तरह से खास कर गए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप एक सीनियर प्लेयर की तरफ जाओ, लाइक पंजाब भाग रहा है एक, मैं कह रहा हूँ पैट कमिंस के लिए, ये भी पैट कमिंस के लिए भाग सकते हैं, तेज गेंदबाज ऑलराउंडर का एक ऑप्शन,
यार देखो, अगर ऑलराउंडर इन्हें, मेरे ख्याल से देखो, हार्दिक दो प्लेयर का काम करते थे, बॉलिंग बैटिंग कप्तानी भी रहती थी, कप्तानी तो चलो शुभमन गिल को इन्होंने दे दी, तो हो सकता है कि सेपरेट टू प्लेयर्स की, क्योंकि ऑलराउंडर मार्केट में है ही कहाँ यार, एक अगर आप देख लो स्लॉट्स में अभी तो एक ही चल रहा है, वो पैट कमिंस जो आ रहा है, पैट कमिंस, डैरिल मिचेल भी है चलो वो, लेकिन बॉलिंग इतना नहीं करता, मैं देखा नहीं है न्यूजीलैंड के इतना करते हुए, लेकिन है बॉलिंग तो करते हैं वो, अच्छा खासा उनके पास बॉलिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो डैरिल मिचेल है आपके पास, हो सकता है आप डैरिल मिचेल को ले लें यहाँ पे, पर आप ये देखो इनके चार ओवरसीज तो मुझे अभी, और केन विलियमसन भी अभी है, तो वही है ना, आंखें बंद करके चार ओवरसीज इनके कंफर्म लग रहे हैं, जिसके चलते मैं कह रहा हूँ कि मैथ्यू हेड की जगह शायद ही नहीं बनते, शायद ही बनते, बिकॉज आप जरूर आपके पास शामी, आपके पास मोहित शर्मा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आपने जो यश दयाल को जाने दिया, आपने अल्जारी जोसेफ को जाने दिया, आपने ओडियन स्मिथ को जाने दिया, आपने अपने इवन दसुन शनाका, आपने अपने चार तेज गेंदबाजी के ऑप्शन को यहाँ से जाने दिए, प्रदीप सांगवी भी जरूर आपके लिए तेज गेंदबाज है, लेकिन उनको खिलाया नहीं, एक ही बात बराबर है, आपने चार तेज गेंदबाजों को जाने दिया है, और मोहम्मद शामी हो गए, मोहित शर्मा हो गए, आप सिर्फ इन दोनों के भरोसे तो अपनी तेज गेंदबाजी को नहीं रख सकते, इसीलिए आप जो कह रहे हो कि शायद इस स्टार्क के पीछे भागे, इस कारण से इस स्टार्क के पीछे भी भाग सकते हैं, जहां पर इनके पास एक आप कह सकते हो कि तेज गेंदबाज का ओवरसीज ऑप्शन आएगा, बट इनके चार ओवरसीज नाम जो आप कह सकते हो, चार ओवरसीज तो मुझे अभी दिख रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, नूर अहमद, राशिद खान, केन विलियमसन और डेविड मिलर, जोशो लिटिल की पिटाई बहुत हुई थी पिछले सीजन, हाँ। पहला मैच ही मुझे याद है चेन्नई वाला, वहां पिटाई इनकी बहुत हुई थी, जोशो लिटिल तो यार इनको फास्ट बॉलर्स की तो सीरियसली जरूरत तो है ही इन लोगों को यार, जोशुआ लिटिल है ठीक है, लेकिन एक टाइम पे चार ही ओवरसीज खेल सकते हैं, तो इनका मोहम्मद शामी के साथ का तो कोई प्लेयर चाहिए ना यार आपको, शामी अभी है, शर्मा ने अच्छा किया था, पर सिर्फ दो पेसर्स के साथ, अभी पेसर दो पेसर्स की तो इन्हें अभी आपको जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ चार पेसर दिख रहे हैं, आप मोहित मोहित शर्मा, जोशुआ लिटिल, मोहम्मद शामी, फिर आपके लिए नीचे नाम है विजय शंकर का, दर्शन नालकंडे भी आप कह सकते हैं, चलिए कुछ हद तक अगर उन्हें खिलाने में इंटरेस्टेड रहते हैं ये, बट एक्सपीरियंस कैंपेनर आप चाहेंगे जरूर, बट वेयर इन आई थिंक कि ये बैक कर सकते हैं टू गो फॉर सम इंडियन पेसर्स, हर्षल पटेल इस बार आ रहे हैं, चेतन साकरिया इस बार आईपीएल ऑक्शन पे आएंगे, वरुण एरन वहां पर होंगे, संदीप उमेश कुमार, उमेश यादव होंगे, संदीप कौरिया, अगर अगर उमेश यादव नामों के ऑप्शन है, अगर उमेश यादव जीटी पहुंच जाते हैं तो मोहम्मद शामी, उमेश यादव और मोहित शर्मा तीनों आपके इंडियन पेसर, ये 2015 का वर्ल्ड कप का आपका बॉलिंग पेस अटैक, मोहित शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शामी तीनों ही 2015 वर्ल्ड कप में थे, हो सकता है उमेश यादव के साथ चले जाए आपका एक, और फिर उसके बाद आप बैटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉलिंग में, लेकिन बॉलिंग वाइज यार देखो 38 करोड़ रुपए जिसके पास हो और वो स्टॉक के पीछे ना भागे तो ये तो समस्या ही पर है, और मुझे तो लग रहा है 38 करोड़ के पास है तो 20 करोड़ भी ये लोग स्टॉक के पीछे खर्च कर देंगे, बचे हुए 18 में आप एक दो ओवर सी दो आपको चाहिए एक और किसी को ले लो, और बचे हुए 18 में आप अपने स्लॉट जो है वो फिलअप कर सकते हो, और अगर स्टॉक आ जाते हैं तो स्टॉक हो गए मोहम्मद शामी, हो गए आपके मोहित शर्मा, ठीक है उसके साथ साथ नूर हो गया, राशिद हो गया, और एक ऊपर से आप खिला लो किसी के, इन विलियमसन को या नूर को आप बाहर बैठा के, राहुल तेवती आपके पास है, जयंत यादव आपके पास है, डेविड मिलर भी खेल सकता है, केन विलियमसन भी खेल सकता है, और अभी तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी तो है, इम्पैक्ट प्लेयर भी है तो भी आप कुछ ना कुछ करके खिला ही लो, इम्पैक्ट प्लेयर के चलते तो कुछ भी कर सकते हो उस तरीके से, तो आप खिला ही सकते हो फिर नूर को भी और उसको, क्योंकि हमने पिछले सीजन देखा था ना नूर खेलेंगे, ओवरसीज चार ही खेलेंगे, लेकिन जब आप शफल करते हो तो किसी बैटर की जगह ले लेते हो ना आप, तो जब शफल करोगे तो आप ले सकते हो, बट खैर इनका स्क्वाड तो यार बैलेंस तो बढ़िया है ही, और आठ प्लेयर्स इनके, एक बार समरी पे जाइएगा जरा मोहित, कितने प्लेयर्स इनको चाहिए, किनो इनको चाहिए, इनको भी आठ प्लेयर्स चाहिए, अवेलेबल स्लॉट इनके आठ ही है, लगभग सेम स्लॉट है इनका भी ओवरसीज में, तो एक तो मुझे या तो स्टार्क तो आते हुए नजर आ रहे हैं, इधर तेज गेंदबाज चाहिए ओवरसीज आपको, एक तेज गेंदबाज इनको ओवरसीज चाहिए, और जितने पैसे बचे हैं ना इनके पास, मतलब जितना मुझे लग रहा है, अगर आप मोहित एक बार सभी टीमों ये एक ही एक ही बड़ा खर्च करेंगे और उसके बाद फिर दो दो तीन तीन करोड़ में ये बाकी के अपने स्लॉट फिल अप करेंगे, बजट बाकी है, आई थिंक जीटी एंड एसआरएच विल बी द टीम्स जिनके पास शायद वो दो सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं आईपीएल के ऑक्शन के, जिनको अब संभावित तौर पर माना जा रहा है आपके, ये आपका ट्रैविस हेड और स्टार्क, यार हमने रविंद्रा की तो बात की नहीं, ये क्या पता रचिन रविंद्रा के पीछे चले जाए,
रविंद्रा तो मेरे ख्याल से राशिद खान रूण अहमद है और उन दोनों के आगे आपको कोई और स्पिनर नहीं चाहिएगा। बट और रविंद्रा बीइंग अ टॉप ऑर्डर प्लेयर, टॉप ऑर्डर में इधर देखो कितना ज्यादा यार ऊपर के जो मैं पांच पढ़ रहा हूँ सारे टॉप ऑर्डर प्लेयर है। डेविड मिलर को छोड़ दो तो आप नहीं, मिलर खेलेगा वैसे मैं मिलर पर मिलर तो किसी भी सूरत से बाहर नहीं हो सकता। मैथ्यू शायद ही खेले, मैथ्यू वेट शायद ही खेले, लेकिन प्लेयर तो टॉप ऑर्डर नहीं में है ना। दे विल आल्सो आई थिंक सो गो फॉर द वन ऑफ योर इंडियन विकेट कीपर बैकअप ऑप्शन। इंडियन विकेट कीपर आपके कौन कौन है वहां पर? एक ही है अभी, साहा तो है लेकिन आपने भरत जाने दिया है, हो सकता है ऑक्शन में जब आए आप लेकिन फिर भी यार दो विकेट कीपर है बहुत है। अगर कुछ होता है मिड सीजन या कुछ तो आप मैथ्यू वेड को खिला सकते हो। बट यार ये टीम तो इनकी अभी भी तगड़ी लग रही है हार्दिक के जाने के बाद भी। टीम कुछ बस हो सकता है कि गुजरात का बेड़ा गर्क हो जाए शुभमन की कप्तानी की वजह से, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि अब तक दूसरी रन में देखा फाइनल खेले। अगर कप्तानी सही नहीं गई, अगर हार्दिक यहाँ पे होते तो ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर नजर आ रहे होते, अभी बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हार्दिक होते तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतर होते, बिकॉज आप यहाँ पे हार्दिक जोड़ दो तो आपको किसी की जरूरत नहीं, आपकी प्लेइंग 11 तैयार होगी। जो आपका तेज गेंदबाज का मसला है तो आपका तेज गेंदबाज का मसला वहां पर हल हो जाएगा। डिपेंड करता है अब यहाँ से किस प्लेयर के पीछे भागते हैं। ऑल्सो गुजरात के गोफर राज अंगद बाबा, दे कैन गो फॉर राज अंगद बाबा। पंजाब किंग्स को जिन्होंने छोड़ा है बिकॉज वो भी एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के ऑप्शन है, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो और कोई प्लेयर्स है नहीं जो इस समय इंडिया के इंडियन होम और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए ज्यादा फेमस हो। वैसे भी उंगलियों पे आप गिन सकते हो आपके तेज गेंदबाज ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वेंकटेश अय्यर और राज अंगद बाबा, विजय शंकर, चलिए इनको भी अगर आप आज तक मानते हैं ऑलराउंडर तो आप महान है। नहीं भाई, जो इन्होंने निधास ट्रॉफी में किया था उसके बाद से अभी तक विजय शंकर ने कोई ऐसी रिडेम्पशन वाली नॉक खेली नहीं ये बताएंगे। हालांकि मौके भी नहीं मिले उतने खास मौके, यार उसकी गलती कुछ थी नहीं, वो पाकिस्तान वाला गेम खेला था वर्ल्ड कप में उसके बाद आपने बाहर कर दिया। बट निधास ट्रॉफी का फाइनल, निधास ट्रॉफी का फाइनल, चलो यार अब तो पूरी दुनिया पूरे देश दुनिया कह रही ज्यादा हो गया, पूरे देश की शान से हलक में लगा दी थी। हाँ इन्होंने लगा दी थी हलक में, डेफिनेटली लगा दी थी वो निधास ट्रॉफी में। बट अब देखो उसके बाद तो मौके भी नहीं मिले ना, वो तो शुरुआती इनिशियल करियर था। इस बार बैटिंग आप देख ले विजय शंकर की कैसी रही थी, जो रिंकू सिंह वाला गेम था जब पांच छक्के रिंकू ने लगाए थे, विजय शंकर ने आई थिंक उसी गेम में 60-70 रन किए थे कुछ, वो भी 25-30 बॉलों में। बैटिंग उनकी कमाल की रही थी, उन्होंने वो तेज नॉक खेली जरूर।